हे दोस्तों, दिस इज एंकी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड हैंड गाड़ियां तो दिखाने वाला हूँ, जैसे कि थंबनेल आपने टाइटल देख लिया। लेकिन आज की जो गाड़ियां होने वाली है वो काफ़ी सस्ती होने वाली है। पीछे देख सकते हो काफ़ी सारी गाड़ियां है, ठीक है। गाड़ियों की जो स्टार्टिंग होगी वो सिर्फ 80-85 हज़ार रुपये की रेंज में आपको गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर लोन आपको करवाना है तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जैसे कि दिल्ली से हो या दिल्ली गुड़गांव नोएडा से हो तो आपके लिए लोन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बाहर कंट्री से हो, दिल्ली के बाहर से, तो आपके लिए लोन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनका पूरा नंबर एड्रेस सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, एक चीज़, जिसको भी अगर मुझसे कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो साइड में हैंडल आ रहा होगा, देखो अंकित दिरेकन के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीडियो डालने से पहले वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ, लाइव आता रहता हूँ कि भाई कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन सी न्यू वीडियोस आने वाली है चैनल पे, तो वो सब मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी कैसी गाड़ी आपको अब देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली गाड़ी यहाँ पे ये होगी अपने पास, देख सकते हो। कौन सी गाड़ी होगी भैया? अल्टो 800, देख सकते हो सिल्वर कलर यहाँ पे होगा। और गाड़ी एक बार अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ मैं, तो अंदर से देख सकते हो। मॉडल कौन सा होगा ये? 2017 का मॉडल है जी। अरे वाह, बढ़िया कंडीशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओनली पेट्रोल, ओके। ये देखो तो कंडीशन कुल मिला के बहुत बढ़िया है। और कितनी चली होगी? 33 के अराउंड। तो इस गाड़ी की कितनी डिमांड है? 220, यानी 2,20,000, ठीक है। इसके बाद एक और है अपने पास, वैगन आ रहे, ओके, वैगन आ जाएगी, यहाँ देख ही सकते हो आप, ठीक है। ये कौन सा मॉडल है? 2009 मॉडल, CNG पेट्रोल। 2009 का मॉडल होगा, CNG पेट्रोल। और ये कितनी चली हो गाड़ी? 56,000 के अराउंड ये गाड़ी चली हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है अंदर से, देख सकते हो, ठीक है। ये पीछे से देख लो कंडीशन, पूरा वॉक अराउंड मैंने दिखा दिया आपको गाड़ी का, ठीक है। तो इसकी क्या डिमांड है अपने यहाँ? 1,25,000 की रेंज में ये गाड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, यानी 1,25,000 की रेंज में। उसके बाद आती है नेक्स्ट, ये कौन सी है? 2011 का मॉडल, पेट्रोल सीएनजी दोनों। ये i10 है अपने पास, ये सेंट्रो है जी, ये सेंट्रो है, हाँ, ओके, ठीक है। ये देखो ये सेंट्रो गाड़ी है, बहुत बढ़िया। और ये कितनी चली हुई होगी? 56,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है, ये देखो मीटर में देख सकते हो आप, ठीक है। तो कंडीशन कुल मिला के गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ियाँ है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको यहाँ पे। साइड लुक यहाँ पे आपको दिखा दूँ गाड़ी का, ये देखो, ठीक है। तो इस गाड़ी की भैया डिमांड कितनी है अपने पास? 1,75,000 रुपये की रेंज में ये गाड़ी अपने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी होगी अपने पास एक और सेंट्रो, ओके। कलर थोड़ा अलग अलग होगा या सेम है? सेम ही है, ओके। तो ये कौन सा मॉडल है? 2009. ये 2009 का मॉडल है, पेट्रोल है। ये देखो इस गाड़ी की थोड़ी कंडीशन अंदर से अच्छी नहीं है, आप अगर इसमें पैसा लगाओ थोड़ा तो बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी गाड़ी के अंदर से, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सस्ते रेंज में होगी फिर, तो ये पेट्रोल है ना? तो कितनी प्राइस है इस गाड़ी की? 1,25,000, ओके। उसका भी उतना ही था? 1,70,000 था, ओके ओके। कंडीशन भी अच्छी है ना इस गाड़ी के। उसके बाद एक और है अपने पास, ये कौन सी? अल्टो 2012 का मॉडल है, 24,000 चली हुई है गाड़ी, ठीक है, देखो, ठीक है। और अंदर से कंडीशन देखे गाड़ी की, ये देखो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है, ठीक है। और इधर से भी दिखा देता हूँ मैं एक बार कंडीशन आपको, ये देखो, ठीक है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी की अपनी डिमांड कितनी होगी? 1,70,000, ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, बाकी नेगोशिएबल हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक और रेड है पीछे, रेड वाली कौन सी गाड़ी है? 2008 मॉडल, स्पार्क। 2008
8 का मॉडल है स्पार्क जी, शेवरले स्पार्क, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ओनली पेट्रोल, ओके ठीक है। और इस गाड़ी को अंदर से हम देखें तो कंडीशन देखो भाई, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा ये देख सकते हो यहाँ से कंडीशन आप, तो ये गाड़ी की लुक बहुत बढ़िया है और स्क्रैच भी नहीं है इस गाड़ी में लगभग, ठीक है। बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो भैया इस गाड़ी की अगर डिमांड बात करें कितनी चली होगी सबसे पहले? चली 58,000 के अराउंड चली हुई है। और ये पेट्रोल है या डीजल? पेट्रोल पेट्रोल है, ठीक है। तो ये गाड़ी हमें कितने की रेंज में मिल जाएगी यहाँ पे? 85,000। तो यानी 85,000 रुपये की रेंज में ये गाड़ी मिल जाएगी। तो सबसे सस्ती यही है अपने पास। लो भाई 85,000 रुपये की रेंज में गाड़ी मिल रही है आपको, ये देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चार गाड़ियाँ और है अपने पास। तो अपन एक और रेड गाड़ी अपने पास मैरून कलर की, ये भी सेंट्रो 2012 मॉडल सीएनजी पेट्रोल, 2012 का मॉडल है सीएनजी ऑन पेट्रोल, ये देख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है। आप इसको और भी अच्छा कर सकते हो पैसा लगा के थोड़ा, ठीक है। और बाकी पीछे से एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो साइड में देख सकते हो, थोड़े बहुत स्क्रैचेस आपको मिल जाएंगे गाड़ी में, लेकिन गाड़ी एकदम ओके है, ठीक है। और ये देखो, मतलब भैया ऐसा तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं आती ना गाड़ियों में? तो ये गाड़ी हमें कितने की मिल जाएगी देखने को? आपको मिल जाएगी 1,80,000 की, 1,80,000 की मिल जाएगी, यानी कि 1,80,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगी, ठीक है। कलर देख सकते हो गाड़ी का बहुत ही प्यारा है। और इसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट स्विफ्ट, ओके स्विफ्ट है वाइट कलर में, देख सकते हो। तो भैया काफ़ी चमक रही है गाड़ी, 2016 मॉडल है, VXI 2016 का ही मॉडल है, VXI, ओके पेट्रोल, ओनली पेट्रोल। देखो भाई साइड कंडीशन आप, ठीक है। और ये पीछे से लुक है गाड़ी का, ठीक है। और ये साइड से देखो बहुत ही बढ़िया। तो ये कितनी अपनी? हाँ 35,000 के समथिंग ये गाड़ी चली हुई है। इसका इंटीरियर आप देख सकते हो, अंदर से ब्लैक है पूरा, ठीक है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है यहाँ पे देख सकते हो। कंडीशन ऑल ओके है, अंदर से गाड़ी एकदम कंडीशन अच्छी में है, ठीक है। तो इस गाड़ी का प्राइस कितना होगा अपने पास? 4,25,000, 4,25,000 रुपये की रेंज में, ओके वो भी नेगोशिएबल हो जाएगा सब गाड़ियों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये 2013 स्विफ्ट डिज़ायर, 2013 का मॉडल है स्विफ्ट डिज़ायर VDI डीजल में, है ना, ओके तो इस गाड़ी की कंडीशन साइड से आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, टायर्स देख सकते हो, ठीक है। और पीछे से देखो, ठीक है। तो ये गाड़ी कितनी अपनी चली हुई होगी? मॉडल कौन सा बताया आपने? 2013 का। ये देखो भाई कितना अच्छा है, यहाँ पे आपको वुडन का काम मिलता है। इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा है यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये गाड़ी की कंडीशन सबसे बढ़िया है इनमें यहाँ पे, ठीक। तो ये गाड़ी कितनी रेंज में मिल जाएगी हमें? 3,50,000, यानी कि 3,50,000 रुपये की रेंज में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर, तो ये देख सकते हो आप, ये कलर सिल्वर है ना, 2015 का मॉडल है LDI। तो ये डीजल पेट्रोल? डीजल में है ना ये तो, हाँ LDI डीजल में, ठीक है। और इधर से कंडीशन देखो, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में आपको गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस गाड़ी के अंदर से कंडीशन देखते हैं हम, ये देखो बहुत ही आपको गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और बाकी बहुत ही अच्छी कंडीशन है। तो ये अपना मॉडल कौन सा था? 2015 का मॉडल है। और इस गाड़ी की डिमांड कितनी है अपने पास? 4,25,000, यानी कि 4,25,000 रुपये की रेंज में गाड़ी मिल जाएगी अपने पास, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, ये कितनी रेंज में आएगी? 2016 मॉडल CNG ग्रीन, इको 2016 मॉडल CNG ग्रीन, तो कितनी रेंज में है? 3,25,000 की रेंज में ये भी हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखो गाड़ी काफ़ी सारी है इनके पास, देख ही सकते हो, ठीक है। देखो
तो इनके पास कुल मिला के 10-11 गाड़ियाँ थी जो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। देखो बहुत सारी है, बाकी आप इनके मार्केट आ सकते हो यहाँ पे दिल्ली में द्वारका मोड़, ठीक है। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो द्वारका मोड़ है, वहाँ पे आके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है 5-10 मिनट का। तो यहाँ पे क्या है कि पूरी कार की मार्केट है, देखो तो लाइन से लगी हुई है कार, अलग अलग डीलर है यहाँ पे कारों के, किसके पास भी आप आ सकते हो, जिनके पास आपको अच्छी कारें देखने को मिल जाए उनके पास आप यहाँ आ सकते हो और अपनी मनपसंद गाड़ी ले सकते हो जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके बताना वीडियो कैसी लगी, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आपको देता रहूँ टाइम टू टाइम। और अभी तक जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, साइड में देखो हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे वीडियो डालने से पहले वहाँ पे अपडेट देता हूँ कि कौन सी न्यू वीडियो आने वाली है मेरे चैनल के ऊपर, क्या क्या नया आने वाला है। तो वहाँ पे क्या होता है आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो मेरे बारे में, या कार वगैरह आपको खरीदनी हो कुछ भी, ठीक है। तो जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट शुरू कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।